प्यारे बच्चे चलिए आइए चलते हैं हम लोग फिर से क्लास 10th की साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि 10th क्लास में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, और उसके बाद में जो एनसीईआरटी से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बीच का प्रश्न को देखे थे, प्रश्न भी बीच का प्रश्न यानी कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी किए थे। चलिए उसके आगे का जो चीज हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉपिक लिया जाए, टॉपिक लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। चलिए तो ये टॉपिक्स क्या है कि गोलीय दर्पण। प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण का मतलब हम लोग समझे हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण का मतलब होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, क्योंकि दर्पण का मुख्यतः तो तीन प्रकार है, एक का नाम है समतल, एक का नाम है उत्तल और एक का नाम है अवतल। तो ये तीन तरह का टोटल दर्पण है। लेकिन अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण का प्रकार दो ठो है, एक का नाम है अवतल और एक का नाम है उत्तल, क्योंकि वो गोलीय दर्पण का एक पार्ट्स है। चलिए तो अब गोलीय दर्पण का मतलब यहां क्लियर कट है कि दो दर्पण यूज कर सकते हैं आप, या तो उत्तल कर सकते हैं या तो अवतल कर सकते हैं। अब इसके बारे में इसका जो परावर्तन होता है इसके चिन्ह के बारे में, चिन्ह का मतलब कि कहां प्लस यूज करना है, कहां माइनस यूज करना है, ठीक है। यानी कि चिन्ह परिपाटी का मतलब यह हुआ कि हम लोग किस जगह पे, किस स्थान पे प्लस का वैल्यू यूज करेंगे और किस स्थान पे माइनस का वैल्यू यूज करेंगे, तो उसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। यानी कि कोई भी दर्पण रहे, चाहे उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, आपको किस केस में किस जगह पे कौन सा वैल्यू यूज करना है, यानी कि प्लस यूज करना है कि माइनस यूज करना है, उसी के बारे में ये टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले बहुत सारा बात है, उस बात को हम लोग बात को लिख लेते हैं बहुत सारा। तो फर्स्ट एरो, सेकेंड एरो, थर्ड एरो, ऐसे कर करके बहुत सारा पॉइंट है इसमें। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, हम बोलेंगे आप लिखते चलिए, फिर उसके बाद हो जाएगा लिखा हुआ तो फिर ऑलरेडी हम कुछ सब बातों को समझा देंगे। चलिए पहला में लिखा जाए, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक कैसे लिखते हैं, तो निर्देशांक बोर्ड पे लिखा हुआ है, निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष ब्रैकेट बंद लिया जाता है। अब चलिए वहां पे सेकेंड एरो लिखा जाए, वस्तु या बिंब प्रतिबिंब नहीं सिर्फ बिंब, वस्तु या बिंब सदैव दर्पण के आगे अर्थात दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। थर्ड एरो देंगे, लिखेंगे तीसरा एरो, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां
ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। फिर लिखिएगा फोर्थ एरो, यानी कि अगला एरो में ध्रुव ब्रैकेट में मूल बिंदु, के दाई ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है, फिर अगला एरो देंगे, लिखेंगे ध्रुव के बाई ओर की दूरियां ऋणात्मक लिया जाता है, फिर अगला एरो देंगे, नेक्स्ट एरो लिखते चलेंगे, सब बात को हम एक ही बार बताएंगे। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है, नेक्स्ट एरो देखेंगे, अगला एरो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, नीचे की ओर लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए तो अब हम लोग जरा बात करते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत इतना सारा जो बात लिखे हैं सबका मीनिंग क्या क्या है, जरा सब बात को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि गोलीय दर्पण बोला जा रहा है, तो गोलीय दर्पण में चाहे कोई भी दर्पण आप यूज कर सकते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आप कोई सा भी दर्पण इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों हम अभी जो बना रहे हैं वो गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा एक भाग बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक भाग है, ये वाला भी बना सकते हैं या फिर आगे वाला भी बना सकते हैं, मतलब कि कुछ और भी कोई सा भी हम अवतल दर्पण बना सकते हैं। यहाँ पे कलई कर दिया, यहां पे इस भाग को कलई कर दिया, ठीक है। अब इस भाग को हम लोग जब जैसे ही कलई कर देंगे तो कोई सा भी दर्पण है हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे गोलीय दर्पण बोला है। अच्छा फिर इसके मुख्य अक्ष बना देंगे, ये हुआ कौन सा मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष जो दर्पण के बीचों बीच से होकर क्रॉस करता है, पार होता है, इसका नाम है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाता है उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, पी होता है, जिसका नाम ध्रुव है। ये ध्रुव हो गया, अब ये किसी दर्पण का ध्रुव हो गया तो सबसे पहले जो मुख्य अक्ष होता है प्यारे बच्चों उसका नाम जो होता है
उसका नाम हो गया एक्स और इसका नाम हो गया एक्स डैश। यानी कि इसीलिए हम लोग पढ़े पहले कि कोई भी चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करेंगे तो एक्स अक्ष को किससे दिखाएंगे, एक्स एक्स डैश से दिखाएंगे। ठीक है, यहां हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष। और प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव या फिर इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जैसे कि आप ग्राफ सीखे होंगे कि ग्राफ जब आप बनाते होंगे तो इधर होता है एक्स, सॉरी यहां पे हम लोग एक मिस्टेक कर दिए हैं, यहां एक्स और यहां एक्स डैश, यहां एक्स होता है इधर एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है नीचे वाई डैश होता है। इस इधर वाले को बोलते हैं एक्स अक्ष और इधर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो यहां पे जैसे कि हम लोग ग्राफ में सीखते हैं कि दो अक्ष होती है, एक का नाम होता है एक्स अक्ष और दूसरे का होता है वाई अक्ष, उसी तरीके से यहां पे जो होता है मुख्य अक्ष को ही एक एक्स एक्स अक्ष माना गया है और एक्स अक्ष का मतलब एक्स और एक्स डैश। उसके बाद हम लोग लिखे कि कोई भी गोलीय दर्पण होगा उसको जो हम लोग वस्तु रखने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा हर बार जब वस्तु रखेंगे वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये दर्पण है और दर्पण के दाईं ओर का भाग कौन सा कहलाएगा, जो हम अगर इसको देख पा रहे हैं, जो मेरा राइट साइड है, जो मेरा दाहिना साइड है उसको बोलेंगे दर्पण का दायां भाग, दर्पण का दायां भाग हो गया। और इस दर्पण का मेरा इधर चूंकि बायां हाथ है तो बाएं तरफ दर्पण का हो गया बायां भाग। ठीक है, तो ये हो गया बायां भाग और उधर हो गया दायां भाग। तो याद रखिएगा हम जब भी वस्तु को रखते हैं वो कहां रखते हैं, तो दर्पण के आगे, दर्पण का आगे का मतलब जिधर कलई किया हुआ नहीं रहता है, तो जिधर कलई किया हुआ नहीं रहता है उधर हम लोग दर्पण को रखते हैं, या फिर हमेशा कहां रखते हैं, तो बाईं ओर। किसको रखते हैं भाई, वस्तु को। तो दूसरा बात ये लिखे कि कोई भी दर्पण हो हमें अगर वस्तु रखने का जरूरत हो तो वस्तु को कहां रखेंगे, प्यारे बच्चे वस्तु को रखेंगे हमेशा बाएं साइड। जैसे मान लिया कि ये क्या है, वो एक वस्तु है यानी कि बिंब है, बिंब को ही वस्तु बोलते हैं, तो वो एक वस्तु है जो हमेशा दर्पण के कहां है, बाईं ओर है, या बोले तो दर्पण के आगा आगे वाला भाग है। देखिए ये बायां भाग हो गया और ये दायां भाग। अगर हमसे पूछेगा कि कौन आगे का भाग है कौन पीछे का भाग है, तो जिधर कलई किया रहता है, देखिए इधर कलई किया हुआ रहेगा तो ये दर्पण का पीछे भाग है, पीछे वाला भाग, पश्च भाग, और ये दर्पण के आगे बिना कलई वाला है यानी कि उधर कलर किया हुआ नहीं है, तो ये बोल सकते हैं आगे का भाग हुआ, आगे का भाग। तो दर्पण का कौन कहलाता है दायां भाग, कौन कहलाता है बायां भाग, किसको आगे और किसको पीछे बोला जाता है। फिर हम लोग लिखेंगे कि कोई भी दर्पण रहे अगर हमें दूरियों को मापना होगा, सभी दूरियां जो मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी प्यारे बच्चे जैसे कि हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो मूल बिंदु से नहीं सभी दूरियां मापते हैं, जीरो हुआ यहां एक, दो आगे बढ़ते हैं तीन, चार इधर बढ़ते हैं माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक दो तीन चार, और ग्राफ में जब नीचे बढ़ते हैं तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। प्यारे बच्चे जितने भी हम लोग ग्राफ में पढ़े हुए हैं वो जो लिखने का काम करते हैं ना वो कहां से शुरू करते हैं, जीरो से ही शुरू करते हैं। आप जब इधर लिख रहे होते हैं तो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, जीरो एक दो, ऊपर लिखते हैं तो जीरो एक दो, इधर लिखते हैं तो जीरो माइनस एक माइनस दो। यानी कि जैसे कि ग्राफ में हम लोग बनाते हैं स्टार्टिंग क्या होता है तो जीरो, यानी उसको बोलते हैं मूल बिंदु।
तो वही ग्राफ का जो मूल बिंदु जीरो होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यानी कि ग्राफ में जो सभी दूरियां हम लोग जीरो से मापते हैं, उसी तरीके से अगर कोई पूछेगा कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो आप आंसर बोलेंगे ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि पी से मापी जाती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी दूरी है, चाहे वस्तु यहां रहे चाहे प्रतिबिंब यहां बनेगा, हमेशा यहीं से यहीं तक मानेंगे कि कै सेंटीमीटर है। अगर मान लिया वस्तु यहां है तो वस्तु का दूरी नापना है तो ध्रुव से नापेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब मापना है तो ध्रुव से प्रतिबिंब मापेंगे। ये नहीं कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना दूर है, ऐसा नहीं, हमेशा जो मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं। ये चीज हो गया। फिर हम लोग क्या लिखें कि ध्रुव के दाएं ओर की जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों आप देखिए, ध्रुव यहां है, दाया भाग इधर है, तो आप याद रखिएगा कि हमेशा दाया तरफ दाएं भाग के तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। मतलब अगर इधर अगर दूरी नापेंगे, जैसे मान लिया मेरा कलम यहां है तो यहां है तो 2 सेंटीमीटर है तो हम +2 लिखेंगे, ठीक है, यहां है और 4 सेंटीमीटर हो रहा है तो प्लस लगा के 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लिया कि वस्तु यहां है तो ध्रुव से किधर है, बाई ओर है, तो जब भी अगर बाएं तरफ की दूरी होती है उसको माइनस वैल्यू, भी का माने वैल्यू, भी ए एल यू वैल्यू माने होता है मान, तो भी फर्स्ट लेटर ई लास्ट लेटर, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गया। यानी कि ध्रुव के दाहिने तरफ पॉजिटिव वैल्यू और ध्रुव के बाएं तरफ निगेटिव वैल्यू, यानी कि माइनस में। अगर मान लिया कि वस्तु अभी फिलहाल यहां पर ओए रखे हैं, ध्रुव से ही नापेंगे तो क्लियर है, क्योंकि अभी हम लोग सीखे कि कोई भी दर्पण हो हम लोग जो दूरी नापते हैं वो कहां से नापते हैं, तो ध्रुव से नापते हैं। अगर ध्रुव से नापते हैं और 4 सेंटीमीटर हुआ वस्तु का दूरी, चाहे 5 सेंटीमीटर हुआ, तो हम इसको लिखेंगे -5, क्योंकि वस्तु कहां होता है, हमेशा बाई तरफ, याद है ना, वस्तु को हमेशा बाई तरफ रखते हैं और बाई तरफ क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखें कि अगर मध्य मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां होंगी वो हमेशा प्लस मानी जाएंगी। यानी कि मुख्य अक्ष तो यही है भाई, अब मुख्य अक्ष के कहीं ऊपर जाना होगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का ऊपर वाला भाग ऊपर कहलाता है। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष का कहां का भाग है, ऊपर का भाग, और ये मुख्य अक्ष के नीचे का भाग है, ये ऊपर को दिखा रहा है और ये नीचे को दिखा रहा है, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष इसको दिखाई देते हैं, यहां दिखाया हुआ है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर वाला भाग जो होता है हमेशा कैसा होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू। याद रखिएगा, लंबवत का मतलब पूरे 90 डिग्री पे ऊपर जाना होगा तो पॉजिटिव, और 90 डिग्री पे नीचे जाना होगा, यानी कि लंबवत नीचे जाना होगा, तो इसको हम लोग माइनस में लेते हैं। तो यही थे प्यारे छात्रों चिन्ह परिपाटी, इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, यही चिन्ह परिपाटी है। और जब तक हम लोग ये पराकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें प्लस माइनस कहाँ लेना है, इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है। यानी कि अब से प्यारे छात्रों जो भी हम लोग को न्यूमेरिकल्स आएगा, कहाँ वस्तु है, दाया है, बाया है, ऊपर है, नीचे है, इसी चीज को फॉलो करते हुए कहाँ पे प्लस लेना होता है, कहाँ पे माइनस लेना होता है, अगर ये चीज समझ में आएगा तभी आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है। तो प्यारे बच्चे आप इस फिगर को बढ़िया से पेंसिल से अच्छा ड्रॉ कर लेना है कॉपी में, अपने नोट में, और फिर आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, धन्यवाद।